पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी ईद काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भागलपुर के CTS ग्राउंड, शाह मार्केट, बढ़ेपुरा, ततारपुर, साजंगी सहित कई मस्जिदों और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अता की गई। CTS ग्राउंड में मौलाना अंसार साहब के द्वारा नमाज अता की गई। CTS ग्राउंड में लगभग 30,000 लोगों ने नमाज अता की। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर नमाज अता नहीं की गई थी, लेकिन इस बार नमाज में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देश और दुनिया में शांति की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। वहीं शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा, समाज सेवी विजय यादव CTS ग्राउंड पहुंचकर लोगों को ईद की बधाइयां देते दिखे। वहीं सुरक्षा को लेकर CTSP, SDPO सहित भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती नमाज को देखते हुए की गई थी। CTSP ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मैदान में जुटे हैं, निश्चित तौर पर सबको ईद मुबारक हो। सिर्फ भागलपुर वासी को नहीं, बिहार वासी और देश वासियों को भी ईद की मुबारकबाद देता हूं, और ईद की जो सारी खुशियां, उनकी मनोकामना अल्लाह ताला और भगवान पूर्ण करे। आपसी भाईचारे और शांति सौहार्द के इस त्यौहार ईद की हम लोग समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामना बधाई देते हैं। हमारे देश में अमन चैन रहे। हम सब भाई भाई की तरह हमेशा हर त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, इसी तरीके से साथ मिलकर मनाते रहें। ईद के मौके पर आज हमारे कर्णनगर पे यहाँ पे जो ईद की जो नमाज अदा किया गया है, ये हम सभी भाई हमारे कर्णनगर पे ईद के मौके पर जो हमारे मुस्लिम भाइयों को द्वारा जो ईद का नमाज अदा किया गया है, ये ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को। हम हमेशा राम रहीम की तरह हर त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे हमेशा। दोनों भाई मिल के प्रत्येक, चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो, हर त्यौहार को सब साथ मिल के मनाएँ और मनाते रहें। के अवसर पर भागलपुर के सभी वासियों को शुभकामनाएं, और हम लोगों ने सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति की है, जहाँ जहाँ भी नमाज होने हैं। अभी हम लोग CTS नाथ नगर के प्रांगण में हैं, यहाँ नमाज अभी जस्ट सम्पन्न हुआ है, और भी कई जगह नमाज होने हैं, अलग अलग टाइमिंग है। और सुबह 6 बजे से ही सभी जगह पे मस्जिद और जहाँ जहाँ भी नमाज पढ़े जाने जिन प्रांगणों में, वहाँ पर CIT बजरा और SSB की जो एक कंपनी मिली है भागलपुर ज़िले को, उसको भी लगाया गया है 4 QRT में बांटकर। और हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। Allahumma